देख रहे हैं ARTV चैनल। आज हमारे अफजलगंज PS में ये क्राइम नंबर 466/2022, इसमें 379, 381, 382, 408, 411 रेड विद 34 IPC एंड 251 इंडियन 411 रेड विद 34 IPC एंड 251 इंडियन आर्म्स एक्ट के अंदर जो एक केस रजिस्टर हुआ था, जो कि 3 अक्टूबर को गौलीगुड़ा में ये केस हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है अशोक बंसल, वो जब एक दुकान में गोल्ड खरीदने को जा रहे थे तो उनके साथ में जो काम करने वाला है एक मोहम्मद सुल्तान, वो उनका सारा पैसा 40 लाख रुपए लेकर वहाँ से भाग गया। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया, केस रजिस्टर हुआ, तो हमारे टीम ने ये टोटल 5 लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पहले से इसमें प्लानिंग करा था। उसमें A1 जो मोहम्मद सुल्तान है, वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, उसके बारे में हमारे पास क्लू है, उसको भी हम जल्दी से अरेस्ट करेंगे। बाकी जो A2 है और A2 मोहम्मद सरफराज खान है, A3 मोहम्मद इमरान खान है, A4 शेख मुबीन अलियास शेख मुजामिल है, A5 मोहम्मद शोएब है, ये सब भी इस केस में मिले हुए हैं। इन सब लोगों ने पिछले 20-25 दिन से इसके बारे में पूरा प्लानिंग किया कि ये कैसे इनके पास से पैसे और इनको डरा के धमका के ये पैसे लेके जाने हैं। तो जब ये पूरा पैसा लेकर इन्होंने ये पैसे लेकर भागे, तो ये यहाँ से मुंबई दिल्ली पंजाब और कश्मीर की तरफ गए हैं। इसमें बाकी लोग को हमने अरेस्ट कर लिया है, एक मोहम्मद सुल्तान अभी एब्सकॉन्डिंग है। इनके पास से जो अभी तक जो रिकवरी हुई है, उसमें 28,19,000 रुपये जो पैसे हैं वो रिकवर हो गए हैं, और एक 2-व्हीलर भी रिकवर हुआ है, 4 फ़ोन रिकवर हुए और एक चाकू भी इनके पास से, सरफराज के पास से रिकवर हुआ है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में जब हम लोगों ने इनकी हिस्ट्री भी चेक करी, तो इसमें एक A1 जो मोहम्मद सुल्तान है, उसका पुराना भी रिकॉर्ड है, उसके ऊपर 16 जो प्रॉपर्टी और बॉडीली ऑफेंसेज है, मतलब ये मारपीट के और चोरी के ऐसे वारदात में पहले भी ये शामिल हुआ है। ऐसे ही ये जो मोहम्मद सरफराज खान है, ये भी पीछे कुछ 9 वारदातों में शामिल है, जिसमें चोरी और मारपीट के केसेस हैं, और इनको पहले PD एक्ट में भी चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में से PD एक्ट में भी डिटेन किया गया था, उसके बाद भी ये इन्वॉल्व हुआ है। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें हमारे जो केस का इन्वेस्टिगेशन है और इनका अरेस्ट है, ये हमारे ACP के सुपरविजन में हमारे इंस्पेक्टर जो है रविंद्र जी हैं, और ACP देवेंद्र जी हैं, और बाकी जो टीम है पूरा DI का, DSI का और पुलिस स्टेशन का, पुलिस स्टाफ का, जो हमारे PC है और HC है, ASI है, उन लोगों ने पूरा बहुत मेहनत करके इसको ACP ने सुपरविजन करके इनको अरेस्ट किया है। और हमारा आम जनता से, ये आवाम से ये एक अपील भी है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को या आदमी को अपने पास कुछ काम के लिए रखते हैं, दुकान में, घर में, बिजनेस में, तो जिन लोगों का कुछ पहले का बैकग्राउंड भी खुद से चेक कर लेना चाहिए, कोई इस क्रिमिनल मेंटेलिटी का और क्रिमिनल जिनके ऊपर इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व है, वो अगर उनके साथ में काम करते हैं तो ऐसे केसेस की संभावना बढ़ जाती है। तो ये अपील है कि वो लोग इस पर भी खुद चेक करें। धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं